स्वामी नारायण विद्या सागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी में व्याकरण विभाग है वो पढ़ने वाले हैं। व्याकरण विभाग में आज हम लिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। बच्चों, पुल्लिंग किसे कहा जाता है? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो ऐसे शब्द को पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। जैसे मैंने उदाहरण भी दिए, लड़का, पिता, दादा, राजा, घोड़ा, ये सारे शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द कहे जाते हैं। उसी तरह स्त्रीलिंग शब्द किसे कहा जाता है? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्द को स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। जैसे कि लड़की, माता, नानी, दादी, घोड़ी। बच्चों, आप एक बार खास याद रखें कि अगर हमें पुल्लिंग शब्द है वो पहचानना है तो किस तरह पहचानेंगे? तो लड़का जो कि पुल्लिंग शब्द है, लड़का जाता है, हम हमेशा ऐसा बोलते हैं, लड़का जाती है ऐसा नहीं बोलते, जाता है, यानी कि ये पुल्लिंग यानी कि पुरुषवाचक शब्द है। और लड़की जाती है जो कि स्त्रीवाचक स्त्रीलिंग शब्द है। उसी तरह लिंग लिंग परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। मैंने पहले उदाहरण दिया है और बाद में उसका नियम भी बताया है। प्रिय प्रिया, शिष्य शिष्या। बच्चों, आप मन में उच्चारण करते जाओ ताकि आपको अच्छी तरह से ये बात है वो समझ में आए। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ करते प्रिय प्रिया या आया अंत में आ प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। बच्चों, प्रत्यय के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़ा जाए उसे और नया शब्द बने उसे प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों, प्रिय प्रिया, शिष्य शिष्य, इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। अब है दूसरा, मटका मटकी, दास दासी। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई मटकी ई प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। तीसरा नियम है मोर मोरनी, से शेरनी। इस प्रकार के पुल्लिंग शब्दों के अंत में मोरनी नी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। अब चौथा है पुजारी पुजारे, नाग नागिन। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द पुजारी है वो पुल्लिंग शब्द है, नाग है वो पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन पुजारी किसका उच्चारण होता है? इन का। इन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। अब है पांचवा, पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठाकुराइन। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन पंडित है और उसका लिंग परिवर्तन किया पंडिताइन, तो अंत में क्या आया? आइन। आइन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। ठाकुर ठाकुराइन, आइन शब्द आया तो यह स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। छठा है डिब्बा डिबिया, बुढ़ा बुढ़िया। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ डिब्बा आपका उच्चारण होता है को इया डिबिया, इया शब्द का उच्चारण होता है अंत में, इया करने से स्त्रीलिंग बनता है। डिब्बा आया डिबिया या शब्द आया, बूढ़ा आ शब्द आया, बुढ़िया या शब्द आया, तो बच्चों आपको या करने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। और
क्योंकि पुरुषवाचक यानी कि पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? शिक्षिका। तीसरा है पंडित, तो उसका पंडिताई। तो बच्चों आपने देखा कि लिंग के दो भेद हैं यानी कि दो प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और उसके कुछ नियम हैं कि कहीं पर हम अप को इका करने से स्त्रीलिंग बनता है, कहीं पर देखते हैं कि आई प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है, कहीं पे नी प्रत्यय छोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। तो बच्चों यह नियम है, वह आप खास याद रखना ताकि आपको परीक्षा में पूछने पर सब कुछ याद आ जाए। आप यह वीडियो पूरा देखना और उसे समझने की कोशिश करना। जय स्वामी।